तो मिलते हैं थोड़े से अफ्तारी के ब्रेक के बाद इंशाल्लाह, फिर आपको हम गांव का विजिट करवाएंगे, पूरा कंडियारो दिखाएंगे और अपने दोस्त फारिस से भी मिलवाएंगे आपको। अभी हमारे अफ्तारी का वक्त हो जाएगा और अफ्तारी के बाद फिर हम आपको करवाएंगे अपने इस कंडियारो शहर का विजिट, जिसमें मेरे दोस्त फारिस का गांव भी है, शहर भी है, उसके औकात भी है, और यहाँ से अफ्तारी के बाद आपको उन सब लोगों से भी मिलवाएंगे यहाँ पे। आपकी जो तबीयत खराब हो गई तो इस वजह से हमने भी रोका। चलो भैया हम दिखा दिखे आते हैं आपको बाइक के नज़ारा थोड़ा सा। सर जी ये अपने ओता के गांव की अपना इधर सब फिलहाल तो सब सीज़न है हमारी गंदम की, इस हिसाब से सब काम में लगे हुए, कोई थ्रेशर पे कोई अपना गंदम उतार रहा है, ये अपना भूसे का गारा बना रहे हैं, जो ये भूसा देख रहे हैं ना आप इधर, ये जो अपनी पैसे इनके लिए ये भूसा हम स्टॉक करते हैं एक साल का। तो अच्छा ये आपके पूरे साल का भूसा स्टॉक होता है ये? हाँ ये साल का भूसा स्टॉक करते, ये पड़ा हुआ है और वो अंदर देखे अंदर पड़ा हुआ है, ऐसे ही बनी हुई है उसकी जगह सही, वो अंदर उस साइड देखे सामने, चले वो भी देखते हैं चल के। अच्छा बारिश होती तो ये फिर खराब नहीं होता होगा? सर ये जो बना रहे हैं ना ये इस हिसाब से ही बना रहे हैं कि मतलब बारिश हो तो उसमें खराब ना हो। अभी ये बना के फिर ऊपर से छापर जो होती है ना बड़ी वाली, वो उसको फुल छापर से कवर कर लेंगे, फिर गारा बना के फिर वो उससे मतलब वो उसके ऊपर लगा देंगे। चलो तो इस हिसाब से खराब नहीं होगा। अच्छा आपकी ज़मीनें कहाँ तक हैं, जब अपनी ज़मीनों के बारे में बताएंगे। यहाँ तक ये पानी होता है, पानी कैसे मतलब किस मुराद से, सैलाब का पानी जो होता है वो का पानी, ये समझो दरिया है, हम दरिया में बैठे हुए। अच्छा ये दरिया का इलाका है, ये इधर सारा ये इधर तक ये पानी होता है सारा चारों तरफ से। अच्छा आपकी जमीन यहाँ से कितनी दूर तक देखी जा सकती है? ये अपना जो सामने ये देख रहे हैं ना गंदम, हाँ ये यहाँ तक अपनी जमीन है, उसके बाद है अपना दरिया है, उसके बाद फिर आगे बहुत सारी कौमें अलग अलग। सही। अच्छा आपकी कितनी एकड़ होगी तकरीबन? 100 एकड़ तो होगी आपकी ये? हाँ सर इतनी है, 100 तो होगी आपकी एकड़ ये। चलो गुड हो गया। अपना ये यहाँ तक ये सर पानी होता है, ये यहाँ तक ये सिर्फ हमारी ओताक और घर और मस्जिद और दरगाह सिर्फ इस पे पानी नहीं चढ़ता, बाकी ये सारा गोल कवर मतलब पानी ने किया होता है सारा एरिया। चलो अच्छा तो ये पीछे के घर है सारे। मज़े की बात यह है कि ये सारी ज़मीनों का काम मेरा दोस्त वो अकेले संभालता है, जो कि हमारे बस की काम की नहीं है, और ये
अमूमन ये अच्छे भले आदमी का काम होता है, और वो मेरा दोस्त मेरी उम्र का है, 20 साल का होगा, और आप देख सकते हो कि इसने इतनी सी उम्र के अंदर अपनी पूरी ज़मीनों को कैसे संभाला हुआ है। देख सकते हैं कि यहाँ के लोग इस कदर खुश हैं कि काम करते हुए भी अपने काम को एंजॉय करते हैं। ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा, तो हम फ्रेशर से वापस आकर इधर आ चुके हैं जहाँ पे बनते हैं मिट्टी के बर्तन। तो ये हैं हमारे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग, और आप देख सकते हो कि जैसे कि मिट्टी के बर्तन भरे हुए, और ये मिट्टी बनाते किस तरह से हम आपको वो भी दिखा सकते हैं। हम आपको तकरीबन पूरा वो चीज़ दिखाएंगे जो गांव के अंदर मौजूद होती है। जो हमारे शहरों में ऐसा हमें मिलावट वाला मिलता है, और जिस दिन से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ मुझे ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरा या एक गात ऐसी नहीं गुजरी कि मुझे खालिश दूध ना मिला हो। तो बस शहरी से लेकर अफ्तारी से लेकर वहाँ की खालिश दूध की चाय भी इतने मज़े की है कि बहुत जायकेदार दूध है, और माशाल्लाह से इनकी हेल्थ भी देखी जा सकती है। लेकिन रोज खालिश दूध पीते नहीं, फिर भी माशाल्लाह इनकी हेल्थ वैसी की वैसी है। और लो, ये दूध ही नहीं पीते मेरे भाई।